क्रेडिट कार्ड के कर्ज के बोझ में फंस गए हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहे हैं जिससे आप अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज के बोझ को आसानी से कम कर सकते हैं। हाय, आई एम गोकुल मोबिया। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बैंकिंग, फाइनेंस और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट और टिप्स मिलती रहेगी। और हाँ, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। देश में क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ता जा रहा है और अब लोग डेबिट कार्ड के साथ क्रेडिट कार्ड का यूज भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। वैसे तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि इसमें कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जिससे हम अपने खर्चों पर अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं, और इमरजेंसी की स्थिति में क्रेडिट कार्ड से पैसा भी निकाल सकते हैं जो कि हमें 45 से 50 दिन के लिए बिना किसी ब्याज के मिलता है। मगर कई बार क्रेडिट कार्ड के कारण लोगों का खर्चा ज्यादा हो जाता है और जब बिल चुकाने की बारी आती है तो जेब में उतना पैसा नहीं होता है और वे बिल चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आप भी अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भरने में असमर्थ हैं तो इस वीडियो में हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिनसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का बोझ कम कर सकते हैं। पहला है, बिल को ईएमआई में बदलें। कई बार आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर नहीं चुकाते हैं तो आपको लेट पेमेंट फीस और इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। ऐसे में क्रेडिट कार्ड कंपनियां आपको ईएमआई का ऑप्शन देती है जिसके जरिए आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे आप पर क्रेडिट कार्ड का बोझ कम हो सकता है। दूसरा, बैलेंस ट्रांसफर की सुविधा का इस्तेमाल करें। बैलेंस ट्रांसफर सुविधा आपको अपने क्रेडिट कार्ड के ड्यू अमाउंट को किसी अदर क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफर करने की परमिशन देती है। अगर आपके मौजूदा क्रेडिट कार्ड में कर्ज ज्यादा हो गया है तो आप इस क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि किसी दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में आसानी से ट्रांसफर करा सकते हैं। हालांकि बैलेंस ट्रांसफर करने से पहले आपको नई क्रेडिट कार्ड कंपनी या बैंक के चार्ज पता कर लेना चाहिए। और तीसरा, बिल चुकाने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर आपके मौजूदा क्रेडिट कार्ड पर कर्ज ज्यादा हो गया है तो ईएमआई और बैलेंस ट्रांसफर के अलावा पर्सनल लोन एक विकल्प हो सकता है। आमतौर पर पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कम होता है। यह ऑप्शन विशेष रूप से उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है जिनके क्रेडिट कार्ड का कर्ज काफी ज्यादा है। अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये सारे तरीके कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको इस वीडियो की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स, लव यू।